बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से आई हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई रियाज बल्दिया की तरफ से कुछ वीडियो सामने आई हैं, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ। जो मेरे परदेसी भाई यहाँ पर मुकीम हैं, अगर तो आप किसी कंपनी वगैरह में हैं, किसी मुसस्से में हैं, तो फिर आपको टेंशन कम होने वाली है। आपकी कंपनी को, आपके मुसस्से को, आपके कफील को इस चीज़ की अच्छी खासी टेंशन होने वाली है। किस चीज़ की? कंपनी मुसस्से की, भाई रहाइश के ऊपर जब बल्दिया छापा मारती है ना, यानी कि रहाइश वो चेक करती हैं एक एक रूम में बंदे कितने रखे हुए हैं, इन लोगों ने सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है, अभी ये भी चेकिंग, अच्छा ये चेकिंग पहले से भी है लेकिन अभी इसके ऊपर भाई सख्ती से अमल शुरू हो चुका है। अच्छा ये वो देखते हैं। उसके बाद अगर आप उस रूम में, यानी कि रूम है जी तीन बंदों का, दो बंदों का, तो उसमें आप घुसे हुए हैं पाँच छः बंदे। यहाँ पर आपको मैं कुछ पिक्चर और कुछ वीडियो भी अभी साथ में दिखाता जाऊँगा, जिसमें आप देख सकते हैं भाई कि आप एक वो बल्दिया जब कार्रवाई की है इस रूम के अंदर, बकायदा वो उस रूम का हजम भी बता रखा है कि ये 14x16 का रूम है गालबन, और इसमें ये चार या छः आदमी घुसे हुए हैं, लेकिन इन बंदों के लिए 20x20 का रूम होना चाहिए था, कि बड़ा कमरा। तो ऊपर से वो देख रहे हैं खाने पीने का सामान रखने का सारा जो उनका उन लोगों ने रखा हुआ था नीचे सामान वगैरह, जो सफाई सुथराई के मामला थे उनके ऊपर सब कैमरे लगा रखे हैं, और कंपनी का साथ में नाम वगैरह भी बता रखे थे कि यानी कि ये कंपनी का नाम है। अभी इनको कंपनी को भाई फाइन वगैरह तो करेंगे, लेकिन हो सकता है इन बंदों के लिए भी कोई मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आप भाई कहीं आजाद काम करते हैं, खुद से आपने रूम लिया हुआ है और एक रूम है जी छोटा रूम है, उसमें दो बंदों की, तीन बंदों की, चार बंदों की गुंजाइश है, आप उसमें सात आठ बंदे घुसे हुए हैं, और किचन की सफाई सुथराई नहीं है, बाहर हमाम की सफाई सुथराई नहीं है, कोई गली है जी बाहर कोई जगह है वहां पर भी गंद पड़ा हुआ है, आप देख नहीं रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, सफाई सुथराई यानी कि कर ही नहीं रहे हैं, तो भाई बड़े शहरों में अक्सर आजाद बंदे रूम लेकर अपना काम करते हैं, दिहाड़ी वगैरह वाले जहाँ, तो भाई वहां पर बल्दिया की कार्रवाई भी ज्यादा होती है। अगर खुदा ना खवास्ता आपके आपकी रहाइश के ऊपर बल्दिया आ गई, तो फिर भाई आपको अच्छा खासा फाइन होगा। वो ना तो किसी कंपनी ने रहाइश ली होगी, ना किसी मुसस्से ने ली होगी, वो रहाइश तो आपने अपना इकामा किसी बंदे को, किसी सऊदी को देकर उसकी कॉपी वगैरह यानी कि रहाइश किराए के ऊपर ली होगी ना, तो फिर आपके नाम के ऊपर जो जो आपके साथ बंदे वहां पर मुकीम है उन सबके नाम के ऊपर आपको फाइन हो जाएगा। तो रहाइशों की सफाई रखें, जिस रूम में जितने बंदे आते हैं उतने ही रहें। हाँ अगर आप एक आध बंदा एक रूम में ज्यादा भी है तो, लेकिन उसके नजरिए के हिसाब से, उसके हिसाब से यानी कि आप रूम की, वॉशरूम की, किचन की सफाई भी रखें फिर।